नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार सैनी है। मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 के नाम है वेक्टर स्पेस, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस का 22 लेक्चर है, जिसमें हम किसी भी सदिश समष्टि के आधार और विमा की बात करेंगे कि किसी भी सदिश समष्टि की बेसिस क्या होती है और डायमेंशंस क्या होती है। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स का भी अध्ययन करेंगे कि आपको कोई वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है तो वो उसका सदिश स्पेस होगा या नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एक डेफिनेशन से, जिसका नाम है सदिश समष्टि का आधार, ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो देखिए, आपको एक सदिश समष्टि दी गई है V ओवर F, ठीक है, एक सदिश समष्टि V फील्ड F, एक सदिश समष्टि दी गई है V ओवर F, ठीक है। साथ ही साथ इस सदिश समष्टि का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है S, ठीक है, क्या दिया गया है, इस सदिश समष्टि का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट S दिया गया है, ठीक है, जिसमें वेक्टर्स कितने हैं, जिसमें आपने मान लिए कि जिसमें वेक्टर्स हैं n वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें आपने कौन कौन से वेक्टर मान लिए, v1 v2 v3 डॉट 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 कॉमा vn, इसमें क्या है n वेक्टर्स हैं, ठीक है, इस सेट में क्या है n वेक्टर्स हैं। और ये वेक्टर किसके हैं, ये वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस V ओवर F के, ठीक है। अब देखो, ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये सभी के सभी वेक्टर्स क्या हैं, नॉन जीरो। ध्यान रखना कि ईच i बराबर 1 to n के लिए ये जितने भी vi दिए गए हैं, मतलब ये वेक्टर्स दिए गए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, नॉन जीरो है, ठीक है भाई, क्या है, सभी के सभी नॉन जीरो है। आपने जो सेट लिया है उसमें जो n वेक्टर्स ले रहे हो वेक्टर स्पेस V ओवर F के, वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तब ये जो सेट है S, तब ये जो सेट S है ये V ओवर F का आधार, ये जो सेट S आपने माना है नॉन एम्प्टी सेट, ये वेक्टर स्पेस V ओवर F का आधार या बेसिस कहलाता है, आधार या बेसिस कहलाता है, यदि यह दो शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी, एक तो पहली है कि S कैसा सेट हो, फर्स्ट कि S एक घात है स्वतंत्र समुच्चय, ठीक है भाई, S क्या होना चाहिए, एक घात है स्वतंत्र समुच्चय होना चाहिए, ठीक है भाई, S क्या होना चाहिए, S एक घात है स्वतंत्र समुच्चय हो, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है, चलो दूसरी से पहले आप इसकी पहले की बात कर लो कि फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि S क्या होना चाहिए, एक घात स्वतंत्र समुच्चय होना चाहिए। अब एक घात स्वतंत्र समुच्चय कब होगा, ये जो सेट S है ये एक घात स्वतंत्र समुच्चय होगा यदि इन n नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए n स्केलर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 डॉट 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 कॉमा अल्फा n फील्ड f में इस प्रकार से एग्जिस्ट हो, फील्ड f में इस प्रकार से एग्जिस्ट हो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, कि इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो, साथ ही साथ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या इंप्लाई करना चाहिए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इंप्लाई करना चाहिए कि इन n स्केलर्स की वैल्यू कितनी है, इन n स्केलर्स की वैल्यू 0 है, ठीक भाई, इन n स्केलर्स की वैल्यू कितनी है, इन n स्केलर्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस का V ओवर F का एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है S, जिसमें वेक्टर स्पेस के n वेक्टर शामिल है, कौन कौन से, V1
v2..vn। और ये जितने भी आए वेक्टर्स हैं, ये है सभी के सभी आए वेक्टर्स कैसे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेट S है, ये जो नॉन एम्प्टी सेट S है, इस सदिश समष्टि V ओवर F का आधार या बेसिस कहलाती है यदि ये दो शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी? कि फर्स्ट S क्या होना चाहिए? S एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय है तो आप क्या कह सकते हो कि n स्केलर अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा n फील्ड F में इस प्रकार विद्यमान होने चाहिए कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो, जीरो के बराबर हो। साथ के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या अप्लाई करना चाहिए कि इन n स्केलर्स की वैल्यूज क्या है, जीरो है, ठीक है। और सेकेंड क्या है? सेकेंड है कि लीनियर स्पान ऑफ S किसके बराबर हो, लीनियर स्पान ऑफ S बराबर हो V के, मतलब इस वेक्टर स्पेस V ओवर F के। कहने का मतलब क्या है कि सदिश समष्टि V ओवर F के, सदिश समष्टि V ओवर F के किसी अवयव, सदिश समष्टि V ओवर F के किसी अवयव V को, किसी अवयव V को आप इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। किसी अवयव V बिलोंग्स टू V को निम्न प्रकार लिख सके, निम्न प्रकार लिख सके, ठीक भाई, या निम्न प्रकार व्यक्त कर सके। कैसे करोगे इसको व्यक्त? कि स्मॉल V बराबर समीशन I बराबर 1 टू n अल्फा आई वी आई, ठीक है। स्मॉल वी बराबर समीशन आई बराबर 1 टू n अल्फा आई वी आई। और साथ के साथ इसको ऐसे भी लिख दो समीशन फॉर्म को कि अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा एन वी एन, ठीक है। मतलब सदिश समष्टि वी ओवर एफ के प्रत्येक वेक्टर को, प्रत्येक वेक्टर को लिखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? इन एन वेक्टर्स की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब सदिश समष्टि के प्रत्येक वेक्टर को इन एन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती हुई। किसकी? बेसिस की डेफिनेशन। ये वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन, माना माना V प्लस डॉट, माना V प्लस डॉट सदिश समष्टि, माना V प्लस डॉट फील्ड F प्लस डॉट पर, फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, ठीक भाई। क्या है? फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, ठीक है। तथा S था S V ओवर F का, तथा S V ओवर F का कोई एरिक उपसमुच्चय है, कोई एरिक उपसमुच्चय है, कोई एरिक उपसमुच्चय इस प्रकार है, कोई एरिक उपसमुच्चय इस प्रकार है, दैट इज phi does not equal to S subset of V over F. That is, phi does not equal to S subset of V over F. ठीक है? और साथ के साथ आप S को किस प्रकार लिख सकते हो? आप लिख सकते हो तथा S तथा या फिर आप लिखो दैट इज फाई डज नॉट इक्वल टू एस सबसेट ऑफ वी ओवर एफ, तथा एस बराबर वी वन
कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री डॉट 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 बी एन है। ठीक भाई, एस में कौन कौन से वेक्टर हैं? एस में एन वेक्टर है, वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ के कौन कौन से? वी वन वी टू वी थ्री कॉमा वी एन। ठीक है, अब देखो आपको ये एन वेक्टर दिए गए हैं और ये सभी के सभी एन वेक्टर कैसे हैं? सभी के सभी एन वेक्टर, जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है भाई, कैसे वेक्टर हैं सभी के सभी? नॉन जीरो वेक्टर है। तथा तथा ईच आई बराबर तथा 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 ईच आई बराबर वन टू डॉट 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 एन के लिए वी आई क्या है? वी आई नॉन जीरो है। ठीक भाई, सभी सभी वेक्टर कैसे हैं? नॉन जीरो है। तब 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 समुच्चय एस, तब समुच्चय एस वी ओवर एफ का, वी ओवर एफ का आधार, वी ओवर एफ का आधार या बेसिस कहलाता है, आधार या बेसिस कहलाता है यदि 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 यह निम्न शर्तों का पालन करे, यदि यह निम्न शर्तों का पालन करे, यदि यह निम्न शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी? फर्स्ट, एस एक घात है स्वतंत्र समुच्चय हो, एस एक घात है स्वतंत्र समुच्चय हो। ठीक भाई, एस क्या हो? एक घात है स्वतंत्र समुच्चय हो। दैट इज देयर एग्जिस्ट एन स्केलर, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन स्केलर एल्फा वन कॉमा एल्फा टू कॉमा एल्फा थ्री डॉट 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 एल्फा एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट एल्फा वन बी वन प्लस एल्फा टू बी टू प्लस डॉट 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 प्लस एल्फा एन वी एन बराबर जीरो। ठीक है, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर साथ साथ क्या इंप्लाई कर रहा हूँ कि एल्फा वन बराबर एल्फा टू बराबर डॉट 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 बराबर एल्फा एन बराबर जीरो। ठीक है, फर्स्ट तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और सेकंड देखो, सेकंड है, सेकंड कंडीशन है एल ऑफ एस बराबर बी, अर्थात अर्थात समुच्चय अर्थात सदिश समष्टि, सदिश समष्टि बी ओवर एफ के, सदिश समष्टि बी ओवर एफ के प्रत्येक प्रत्येक अवयव स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी को बी वन या स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी को एस के अवयवों के एक घात है, एस के अवयवों के एक घात है संचय के रूप में लिख सके, एक घात है संचय के रूप में लिख सके। ठीक है भाई, संचय के रूप में लिख सके, अर्थात अर्थात स्मॉल बी बराबर समेशन समेशन आई बराबर वन टू एन एल्फा आई बी आई। ठीक है, अर्थात स्मॉल बी बराबर समेशन आई बराबर वन टू एन एल्फा आई बी आई। और इस समेशन किस प्रकार लिख सकते हो कि एल्फा वन बी वन प्लस एल्फा टू बी टू प्लस डॉट 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 प्लस एल्फा एन वी एन बराबर सॉरी एल्फा एन बी एन। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तब तब समुच्चय एस, तब समुच्चय एस बी ओवर एफ का, बी ओवर
एफ का आधार कहलाता है, बी ओवर एफ का आधार कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद है सदिश समष्टि के बीमा, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सदिश समष्टि की बीमा, सदिश समष्टि की बीमा। ठीक है भाई, क्या होती है इसकी बीमा? अब देखो, आपने एक वेक्टर स्पेस ले लिया V ओवर S, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस V ओवर S ले लिया और इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया S। ठीक भाई, इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया आपने S, जिसमें कि कितने वेक्टर हैं, जिसमें कि n नॉन जीरो वेक्टर हैं, जिसमें कितने वेक्टर हैं, जिसमें n नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है भाई, साथ के साथ ये S क्या है, ये S V ओवर F की आधार है, ये S क्या है, V ओवर F का आधार है। ठीक भाई, क्या है, V ओवर F का आधार है। तब अगर ये S इस S में नॉन जीरो वेक्टर है, इस S में N नॉन जीरो वेक्टर है और ये S V ओवर F का आधार है, तब तब आधार S में अवयवों की संख्या, तब आधार S में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, आधार S में अवयवों की संख्या सदिश समष्टि की बीमा कहलाती है। आधार S में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, अवयवों की संख्या सदिश समष्टि की बीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, सदिश समष्टि की बीमा कहलाती है, V ओवर F की बीमा कहलाती है। ठीक है भाई, बीमा तो कहलाएगी कहलाएगी, साथ ही साथ इस बीमा को किससे व्यक्त करेंगे, इसको व्यक्त करते हैं डायमेंशन ऑफ V से। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ V से। और किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, कि डायमेंशन ऑफ V बराबर ऑर्डर ऑफ S बराबर आधार में अवयवों की संख्या, आधार में अवयवों की संख्या। ठीक है, किस प्रकार डिफाइन करेंगे, कि आधार में अवयवों की संख्या। तो ये आपके सदिश समष्टि की बीमा हो गई। दोबारा से देख लीजिए, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर S, ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, आपको इस वेक्टर स्पेस V ओवर S का एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस V ओवर F का एक नॉन एम्प्टी सबसेट S दिया गया है, जिसमें कितने वेक्टर हैं, जिसमें n नॉन जीरो वेक्टर हैं और साथ के साथ ये S है, ये S क्या है, ये S इस सदिश समष्टि का आधार है। ठीक भाई, ये S क्या है, इस सदिश समष्टि का आधार है। तब इस आधार S में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, वेक्टर स्पेस की बीमा कहलाती है, जिसको डायमेंशन ऑफ वी से व्यक्त करते हैं। और डिफाइन किस प्रकार करते हैं, कि डायमेंशन ऑफ वी बराबर ऑर्डर ऑफ एस बराबर सदिश समष्टि में आधार, सदिश समष्टि के आधार में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई सदिश समष्टि की बीमा। देखो, सदिश समष्टि की बीमा, सदिश समष्टि की बीमा, ठीक है, क्या होगी बीमा, माना माना V प्लस डॉट, माना V प्लस डॉट फिल्ड F प्लस डॉट पर, फिल्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है, फिर एफ प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है।
है, तथा तथा एस तथा एस वी ओवर एफ का आधार है, तथा एस वी ओवर एफ का आधार है, मतलब ये सेट ऐसे ही क्या है, सदिश समष्टि का आधार है। दैट इज फाई डज नॉट इक्वल टू एस बराबर वी वन कॉमा वी टू डॉट डॉट वी एम सबसेट ऑफ वी ओवर एफ। साथ के साथ ईच वी आई नॉन जीरो फॉर आई बराबर वन टू एन, ठीक है, फॉर आई बराबर वन टू एन, तब सदिश समष्टि की विमा आधार एस में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होती है, अवयवों की संख्या के बराबर होती है, आधार एस में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होती है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे डायमेंशन ऑफ वी से व्यक्त करते हैं, इसे डायमेंशन ऑफ वी से व्यक्त करते हैं, इसे डायमेंशन ऑफ वी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। दैट इज डायमेंशन ऑफ वी बराबर ऑर्डर ऑफ एस बराबर आधार या फिर सदिश समष्टि के आधार में अवयवों की संख्या, सदिश समष्टि के आधार में सदिशों की संख्या, ठीक भाई, किसकी संख्या, सदिशों की संख्या, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस की डेफिनेशन कंप्लीट होती है, सदिश समष्टि की विमा क्या होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक एग्जांपल है जिसमें आपको कैसे दिखाना है कि एक वेक्टर स्पेस दिया गया है फील्ड एफ पर और एक सेट दिया गया है, उस सेट को आपको क्या शो करना है, उस सेट को उस वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का उप समष्टि सिद्ध करना है, मतलब उस सेट को क्या सिद्ध करना है कि वो सेट उस वेक्टर स्पेस का वेक्टर सब स्पेस है या सदिश उप समष्टि है, ठीक है। तो एग्जांपल है आपका बुक का एग्जांपल नंबर वन, ठीक है। माना फील्ड एफ पर एक सदिश समष्टि है, माना फील्ड एफ पर बी एक सदिश समष्टि है, ठीक भाई, बी क्या है, सदिश समष्टि है, एक नियत स्मॉल वी बिलोंग्स टू वी के लिए माना कैपिटल डब्लू इंटू वी बराबर एल्फा वी सच डेट एल्फा बिलोंग्स टू एफ तब सिद्ध कीजिए कि
कीजिए कि तब सिद्ध कीजिए कि कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल वी, कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल वी कैपिटल वी की उपसमष्टि है, कैपिटल वी की उपसमष्टि है। ठीक हुई, क्या है कैपिटल वी की उपसमष्टि है। अब देखिए, अब आपको क्या सिद्ध करना है कि आपको एक फील्ड दिया गया है F और सदिश समष्टि दी गई है V। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया है, एक फील्ड F दिया गया है जिसपे क्या है एक सेट सदिश समष्टि बना रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि V क्या है फील्ड F पर सदिश समष्टि है, और उस सदिश समष्टि का आपको एक नॉन जीरो सॉरी उस सदिश समष्टि का आपको एक वेक्टर दिया गया है फिक्स वेक्टर। ठीक है, उस सदिश समष्टि का आपको एक फिक्स वेक्टर दिया गया है, तो उस वेक्टर के लिए आप क्या कर रहे हो, एक नया सेट डिफाइन कर रहे हो कैपिटल डब्लू स्मॉल वी, जिसमें एलिमेंट किस टाइप के अल्फा इंटू स्मॉल वी टाइप के है, जहाँ पे अल्फा क्या है फील्ड एफ का कोई एलिमेंट है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो सेट है कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल वी, कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल वी क्या होना चाहिए वेक्टर स्पेस वी की उपसमष्टि होना चाहिए। ठीक है, इसको उपसमष्टि सिद्ध करना है। उपसमष्टि सिद्ध करना तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इस सेट को नॉन एम्प्टी दिखाओ, इस सेट को क्या दिखाना है आपको नॉन एम्प्टी। दूसरी बात, इस सेट के दो एलिमेंट लो, फील्ड एफ के दो स्केलर लो, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन किस में शो कर दो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन इस सेट में शो कर दो। अगर ये दो कंडीशंस का पालन हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ये जो सेट है ये क्या है वेक्टर स्पेस देखिए वेक्टर सब स्पेस है या सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में वो लिखिए, दिया गया है वी प्लस डॉट फील्ड एफ प्लस डॉट पर, फील्ड एफ प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है, तथा स्मॉल वी बी ओवर एफ का, तथा स्मॉल वी बी ओवर एफ का कोई नियत सदिश है, कोई नियत सदिश है, मतलब कोई फिक्स वेक्टर है। ठीक है भाई, क्या है कोई फिक्स वेक्टर है, दैट इज स्मॉल v किसका एलिमेंट है वेक्टर स्पेस v ओवर f का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए, माना कैपिटल w इंटू स्मॉल v बराबर अल्फा v सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू f, अल्फा belongs to F, सदिश small b belongs to b over F के लिए, b over F के लिए कोई अन्य समुच्चय है, कोई अन्य समुच्चय है। ठीक भाई, कोई अन्य समुच्चय है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल वी वी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है, वी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है। ठीक भाई, क्या है सदिश उपसमष्टि है। ठीक, अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस सेट को सबसे पहले नॉन एम्प्टी शो करना है, साथ के साथ इस सेट के दो आर्बिटरी वेक्टर लेने हैं और इस फील्ड के दो आर्बिटरी स्केलर लेने हैं, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में शो करना है अगेन इसी सेट में शो करना है। ठीक है, तो देखिए, इसके
लिए हमें हमें यह सिद्ध करना होगा इसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा यह सिद्ध करना होगा कि फर्स्ट कैपिटल W इंटू स्मॉल V एरिक समुच्चय है। कैपिटल W इंटू स्मॉल V एरिक समुच्चय है। और सेकेंड शो करना है आपको कि ईच स्मॉल W1 स्मॉल W2 बिलोंग्स टू W इंटू कैपिटल V और ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए क्या शो करना है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको किसमें दिखाना है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन आपको इसी सेट में दिखाना है कि इन दो वेक्टर और दो स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें अगेन इस सेट में है। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि फील्ड एफ में कम से कम कितने एलिमेंट होते हैं किसी भी फील्ड में कम से कम दो एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो वन और दूसरा जीरो। ठीक है, जीरो क्या होता है? जीरो प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष एक योग का तत्सम अवयव होता है, जबकि वन गुणन के सापेक्ष क्या होता है? गुणन के सापेक्ष ये इकाई अवयव या तत्सम अवयव होता है। और यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे बात हम गुणन ऑपरेशन की ही कर रहे हैं। तो जीरो का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा, सिर्फ आपको किसकी बात करनी है? आपको बात करनी है इकाई अवयव की। ठीक है, किसके सापेक्ष? जो कि मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष। चूंकि वन किसको बिलोंग करता है? एफ को। क्योंकि आप जानते हैं वन तो किसको बिलोंग करेगा? एफ को। और स्मॉल वी किसका एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस वी का। तो आप जानते हैं कि वन डॉट वी क्या होगा? स्मॉल वी। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हैं? वन डॉट स्मॉल बी बराबर स्मॉल बी। और आपको पता है ये किसका एलिमेंट है? ये वन डॉट बी एलिमेंट है किसका? डब्ल्यू इंटू बी का। और ये वन डॉट बी स्मॉल बी के बराबर है, तो ये स्मॉल बी भी किसका एलिमेंट हो जाएगा? इसका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये डब्ल्यू का जब स्मॉल बी इस सेट कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल बी का एलिमेंट है, तो आप क्या कह सकते हो कि कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल बी कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। सेकंड देखो, माना डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल बी के कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल बी के कोई दो स्वेच्छ अवयव अवयव इस प्रकार स्वेच्छ अवयव इस प्रकार है। दैट इज ईच डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू बिलोंग टू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल बी सच डैट डब्ल्यू वन बराबर एल्फा बी तथा W2 बराबर बीटा बी। ठीक है, W2 बराबर बीटा बी तथा लैम्डा न्यू फील्ड एफ की कोई दो अवयव है। फील्ड एफ की कोई दो अवयव है। ठीक है, क्या है? कोई दो अवयव है। दैट इज ईच लैम्डा न्यू बिलोंग्स टू एफ। दैट इज ईच लैम्डा न्यू बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तब आपको कैसे करना है? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें होना चाहिए? अगेन इस सेट में होना चाहिए। तो देखिए, अब लैम्डा इंटू डब्ल्यू वन प्लस न्यू इंटू डब्ल्यू टू बराबर लैम्डा इंटू एल्फा बी प्लस न्यू इंटू बीटा बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये भी स्केलर है। तो आपको पता है
वेक्टर स्पेस में दो कोएफिशिएंट के साथ किसका पालन होता है, सहचर्यता गुणधर्म का पालन होता है। सहचर्य गुणधर्म का पालन होने की वजह से इस ब्रैकेट को आप यहाँ से कर सकते हो और अगेन इस ब्रैकेट को भी यहाँ से कर सकते हो। किसके लिए होता है ये सहचर्यता गुणधर्म का पालन? अदिश गुणन के लिए। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, यह अदिश गुणन के लिए सहचारी होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू अल्फा डॉट वी बराबर लैम्डा इंटू अल्फा इंटू वी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इंटू अल्फा इंटू वी प्लस न्यू इंटू बीटा इंटू वी। ठीक है, ये आपको पता है लैम्डा किसके एलिमेंट है एफ का और अल्फा किसके एलिमेंट है एफ का। तो फील्ड एफ में दो कोएफिशिएंट के साथ समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है, तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, ये भी फील्ड एफ हो जाएगा और ये भी फील्ड एफ का हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि लैम्डा इंटू अल्फा इंटू स्मॉल वी प्लस न्यू इंटू बीटा इंटू स्मॉल वी इसका एलिमेंट ऑफ कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल वी का एलिमेंट होगा। ठीक है, जब ये यूनिफॉर्म मशीन का एलिमेंट है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल वी वी ओवर एफ के, वी ओवर एफ के सदिश उपसमष्टि है। क्या है, सदिश उपसमष्टि है। ठीक हुई, क्या है ये कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल वी वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ की सदिश उपसमष्टि है। और आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज है या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।